राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबको धनतेरस की और छोटी दीपावली की हर एक शुभकामनाएं। तो देखिए मेरे यहाँ काला जाम बनने जा रहे हैं, यहाँ क्या हम ही बनाने जा रहे हैं। और ये बन रही है चाशनी। आप लोगों के यहाँ मिठाइयाँ बन गई? इस बार भैया सब कुछ बनाना पड़ेगा। क्या है ना कि हर बार चले जाते थे गांव, अब इस बार मतलब पहले रैंक पे थे तो चले जाते थे गांव, अब क्या है ये भी अपना घर है तो यहीं पे दीपक वगैरह भी जलाना है। लक्ष्मी पूजन है, पहली बार पूजन है घर पे, तो इसकी वजह से अब की बार नहीं जाएंगे। तो ये देखिए इलायची पीस ली है, तो चाशनी में इलायची डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो क्या है ना कि मतलब ससुराल चले जाते थे तो हमारी देवरानी बहुत ही अच्छी मिठाई बनाती, बहुत ही अच्छी। आप मतलब साबित नहीं कर सकते कि ये रेडीमेड मतलब मिठाई है कि ये मतलब घर की बनी हुई है। इतनी अच्छी उसको मिठाई बना लेती, बर्फी पेड़ा, मतलब पेड़ा तो कई प्रकार के, और हमें कुछ नहीं बनाना पड़ता था। आराम से यहाँ से जाते थे, खाते थे, इंजॉय करते थे, वो सब पहले से अपना व्यवस्था करके सब रखती थी। और इस बार क्या है, सभी कुछ बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और बस वही है। और एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं कि YouTube की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है ये आपको बता दें। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि रेडीमेड मिठाइयों से जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि मतलब स्वाद से बढ़कर, अपने स्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए सब लोग घर की बिना बनी मिठाइयाँ ही खाइए जितना हो सके। नहीं बनानी आती, जैसे बनानी आती वैसे बनाइए, लेकिन घर की खाइए, क्योंकि अपने अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए। तो हमने भी भाई बनानी मिठाई शुरू कर दी है। चलिए बनाते हैं आज काला जाम बनाते हैं। और क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पे खोया नहीं मिला है बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार इतना अजीब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ की व्यवस्था करनी है, और वैसे तक व्यवस्था कुछ भी नहीं करनी होती थी, आराम से जाते थे। अब यहाँ पे है तो खोया वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था करनी है, क्योंकि घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हैं तो मिठाइयाँ नहीं बनाएंगे, मिठाइयाँ सारी घर ही पे बनाएंगे। तो इसकी वजह से ना व्यवस्था सारी करनी है। वहाँ पे मम्मी पापा मतलब सारी व्यवस्था करते थे, देवरानी बनाने में रहती थी, लेकिन मम्मी पापा सारी व्यवस्थाएँ करते थे। और यहाँ पे सारी व्यवस्था घर खुद ही करनी पड़ेगी। मम्मी पापा को बुलाया था दीपावली में कि पहली दीपावली है तो घर के बुजुर्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, घर के बुजुर्ग आए पूजन करें आके, और पहली बार उनके हाथ से पूजन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए कैसा टाइम मिलता है। पापा मम्मी तो मुश्किल है जो आ पाए, क्योंकि कह रही थी कि एक ही लोग आ पाएगा, भाई वहाँ भी बच्चे हैं और वहाँ भी गाँव और सब लोग मिलने आते हैं, तो वहाँ भी एक लोगों का रहना ज़रूरी है। तो हो सकता है जहाँ तक पापा जी आएंगे तो देखिए क्या होता है। और YouTube की तरफ से क्या खुशखबरी है, मेरे मतलब जो फर्स्ट सैलरी आती है मेरी आने वाली है, और मेरे डॉलर जो फर्स्ट सैलरी के जितने बनने चाहिए उतने बन चुके हैं, बस मेरी आने वाली है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये है कि कोई बैंक का जो अकाउंट लगा है उसमें कोई इशू ना हो, कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, तो बस जल्दी ही मेरी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की आ जाएगी। और आप लोग भी ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि क्या ना, और हाँ जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यू काम करते रहिए आप लोग, क्योंकि क्या है ना, अगर आप छोड़ने की सोच रहे हैं यूट्यूब, बिल्कुल भी मत छोड़िए और बिल्कुल भी निराश मत होइए। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब हमने सोचा कि व्यूज वगैरह नहीं जा रहे तो छोड़ दे, चलो बाद में वो करेंगे, बाद में बनाएंगे वीडियो, छोड़ दें। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि आपका जो चैनल दो दिन का ग्रो, आपका चैनल जैसे ग्रो कर रहा है, आपने दो दिन वीडियो नहीं डाले तो वो चार दिन पीछे आपका चैनल चला जाएगा। तो इसलिए आप YouTube पे कंटिन्यू काम करिए, और व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, इसकी परवाह किए बिना आप मेहनत करते रहिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि जब हम मेहनत करेंगे तो उसका हमें फल क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और
मतलब हम खुद ही कभी कभी भी इतना ज्यादा हताश हो जाते थे, इतना ज्यादा मतलब परेशान हो जाते थे। हमारे साथ क्या होता था कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं बढ़ रहे, तो हम सोचते थे नहीं भाई हम नहीं बनाएंगे वीडियो। जो कई बार ऐसा होता था कि दो दो दिन हमने वीडियो नहीं डाले, लेकिन फिर हमें हमने उसको मतलब उसको ये हमने आइडिया लगाया कि यार हम दो दिन वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो हमारा चैनल तो और ज़्यादा पीछे जा रहा है, इसलिए आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे काम करते रहना है और मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। यदि मेरे काला जाम बन जाए जल्दी से, हम आपको काला जाम की रेसिपी नहीं शेयर कर रहे, बस आप लोगों से बातें करने जा रहे हैं। चलिए काला जाम बनाने जा रहे हैं, जल्दी मेरे फटाफट बन जाए काला जाम। उसके बाद एक एक करके मिठाइयाँ, क्या होता है जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम क्या है ना, हम टेंशन में भी, क्यों टेंशन में है वो भी आप लोगों को बताएं। खैर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये है ना टेंशन कि हमने क्या सोचा था ना कि त्यौहार में मेरा घर अच्छे से डेकोरेट करेंगे, बर्थडे वगैरह सब कुछ लग जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जितना सोचो ना उससे नहीं हो पाता उतना उतना क्या कुछ भी नहीं हो पाया। क्या है ना, जो बर्गर आने वाला था वो बर्गर भी नहीं आ पाया, मतलब पर्दे वगैरह घर पे तो पर्दे हम लोग टांग सकते हैं लेकिन जो होल वगैरह पैर वगैरह लगाए जाते वो तो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से बर्गर वो आया नहीं। इसकी वजह से हमारे पर्दे मतलब काफ़ी चीज़ सामान, नया घर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन नया घर है तो बहुत सारी मतलब अभी चीज़ें नहीं है। और आप लोगों को तो पता हाल ही में मेरा गृह प्रवेश हुआ है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें सब अस्त व्यस्त हैं। चलिए कोई बात नहीं, काम तो लगा ही रहता है, चलिए काला जाम बना लें फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए भाई आप लोग, ये बन चुके हैं मेरे काला जाम गुलाब जामुन। देखिए अभी क्या है ना, अभी फूले नहीं हैं, जस्ट अभी मतलब बस बना के मतलब फ्री हुए हैं, ये देख सकते हैं अभी कोई कोई सूखा है। और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या हुआ था ना, इलायची डाली थी तो इलायची तो पीस दी थी, उसी में हमने ये छिक्कल भी डाल दिया था क्योंकि छिक्कल में इलायची का बहुत अक्स होता है, मतलब इसमें महक होती है, तो डाल दिया था हमने, कहा इसी में पड़ी रहेगी बाद में हटा देंगे। तो ये मेरे बन गए हैं गुलाब जामुन। और इधर हम बना रहे हैं पेड़ा मेरे बन रहे हैं, जिसकी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, आप देखिएगा। देखिए घर की मिठाई भाई, बात क्या है घर की मिठाई का क्या कहना, इस बार सब अकेले करना पड़ रहा, बार बार हमें अपनी देवरानी की याद आ रही है, हर बार ऐसे ही थोड़ी बहुत हेल्प करा देते थे, नहीं तो हमें जिम्मेदारी से मिठाई नहीं बनानी पड़ती थी। अब भैया यहाँ पे हैं, दीपावली मनाएंगे तो करना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए। हमारे यहाँ कभी भी मतलब रेडीमेड मोल वाली मिठाई नहीं आती, कभी भी जो भी बर्फी पेड़ा गुलाब जामुन मतलब जो भी है सब अपना घर पे बना लो, घर की मिठाई बात ही दूसरी होती है। जितनी आप एक तो पैसे की भी बचत और जितनी अपने हिसाब से आप चीनी डालना चाहें जितनी एकदम फ्रेश मिठाई तैयार हो जाती है, दोनों बातें होती हैं ना। इधर मेरे काला जाम बन चुके हैं और बस फटाफट बना लेते हैं जल्दी से बस पेड़े। आप लोगों की अभी बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही होंगी, जरूर कमेंट में बताइएगा किस किस के यहाँ क्या क्या बन गया है आप लोग। देखिए अभी ये फूल जाएंगे ना तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, अभी तो ये अभी हमने खाना नहीं खाया है, इतना हो जाता है त्योहार में, इतना टाइम हो गया, शायद बज गया है 2-3 का बज गया, और लगे हैं यहीं पे बस सुबह से खाना बनाया, उसके बाद सारी साफ सफाई की, उसके बाद बस लग गए। चलिए आज मेरी 2 मिठाइयाँ तैयार हुई जा रही हैं, लौकी की बर्फी बनाएंगे, कल थक गए हैं, चलिए पेड़ा बना लेते हैं।